डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंग्लिश बोलते हुए भी बहुत मदद करता है। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा या पॉइंट आउट करते हुए उसके बारे में कुछ कहना। तो जब हम इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बेसिकली हम चार शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिस दैट दीज और दोज। ये चार शब्द, हालांकि सच और सेम का भी यूज हो जाता है बहुत सारी जगहों पे, पर ज्यादातर बार दिस दैट और दीज दोज को आप डेमोन्स्ट्रेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हो। अब मैंने कहा ये स्पोकन में भी बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? दिस और दैट इंग्लिश में हमेशा वहां लगाना होता है जहां आप किसी सिंगुलर चीज की तरफ इशारा कर रहे हो। जहां आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हो वहां आपने कहना होता है दिस या दैट। जहां पे आप एक से ज्यादा दिखा रहे हो, बहुत सारे दिखा रहे हो, 2, 5, 10, 20, 50 अप टू इन्फिनिटिव दिखा रहे हो, यानी एक से ज्यादा दिखाना है, तो दीज और दोज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी दिस और दैट को हम यूज करेंगे सिंगुलर चीजों के लिए, जैसे एक पेन के लिए, एक ग्लास के लिए, एक फोन के लिए, ऐसे आपने बात करनी है ना किसी एक एक के लिए, तो आप दिस या दैट का इस्तेमाल करो। जब आपने कहना है बहुत सारे, आप दो ग्लास और पेन दोनों की बात करना चाह रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करेंगे दीज या दोज। हालांकि इन चारों में भी फर्क होता है। दिस हमें लगाना होता है जो चीजें हमारे पास हैं, नजदीक हैं, और दैट हमें लगाना होता है जो चीजें हमसे दूर हैं। तो जब भी कोई चीज आपके नजदीक है, आपके पास है, तो आप सिंगुलर केस में दिस बोलोगे। अगर वो आपसे दूर है और वो सिंगल चीज है तो आप दैट बोलोगे। अगर बहुत सारी चीजें दिखा रहे हो और वो आपके पास है तो आप दीज बोलोगे। और बहुत सारी चीजें दिखानी है पर वो आपसे दूर है तो उस सिचुएशन में आप दोज बोलेंगे। कैसे? सपोज ये मैं हूं और ये मेरी फ्रेंड है एक, और ये मेरी फ्रेंड है दूसरी। ठीक है बच्चों? तो ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इसको मैं एड्रेस करूंगी दिस से, और ये जो मेरी फ्रेंड है इसको मैं एड्रेस करूंगी दैट से। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर, देखो एक टाइम पे एक है, हम नाम रख देते हैं, चलो इसका नाम हमने रख दिया सपना, इसका नाम हमने रख दिया सीता। अगर नेहा बात कर रही है, सपना को एड्रेस करना चाह रही है, तो किससे करेगी? दिस इज सपना माय फ्रेंड एंड दैट इज सीता माय फ्रेंड, इस तरीके से, क्योंकि ये मेरे नजदीक है और सीता फिलहाल थोड़ा सा दूर है। अब सपना के साथ साथ गीता भी खड़ी हो गई भाई, अब सपना भी है और गीता भी है, तो इस सिचुएशन में मैं कहूंगी दीज आर माय फ्रेंड्स सपना एंड गीता। पहले अगर सपना थी तो मैं दिस लगाऊंगी, दोनों हो गए तो इन्हीं को मैंने कह दिया दीज। अब सीता के साथ पिंकी भी आ गई, ठीक है, सीता और पिंकी हो गए, तो पहले ये अकेली थी और दूर थी इसलिए दैट, अब ये दूर तो है ही पर अकेली नहीं है, दो हो गई हैं, प्लूरल हो गई हैं, तो अब मैं इन्हें क्या कहूंगी दोस। क्या हम बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? तो जब कोई चीज आपके पास है सिंगुलर है दिस, आपसे दूर है सिंगुलर है दैट, आपके पास है प्लूरल है दीस, आपसे दूर है प्लूरल है दोस, इन्हें हम कहते हैं कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।